लेके तो बात करता, तेरे को तो ऐसा कर दूंगी, तुम मोबाइल तो फेंक दे मुझे, हमें कहता है मोबाइल, चल चल ऊपर, कहीं का मोबाइल हटा, चल ऊपर चल, नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी पानीपत से आप लोगों के सामने आए हैं, और जो आपको लाइव तस्वीरों में एक व्यक्ति नजर आ रहा है, इसकी 11 महीने शादी को हो चुके हैं, और जो इनका कहना है कि मात्र 10 दिन ही ये अपनी पत्नी के साथ रहे और उसके बाद इनकी अनबन होनी शुरू हो गई है। और तस्वीरों में मैं आप लोगों को उस महिला की फ़ोटो में आप लोगों को दिखा रहा हूं कि जो ये महिला है इसके साथ इनकी शादी हुई है, और एक गुड़िया भी है, और मात्र 10 दिन ये साथ में रहे हैं, उसके बाद अनबन शुरू होने लग गई, और उसके बाद ये अलग वो अलग, और कभी मिलना हुआ कभी नहीं मिलना हुआ, और अब ये व्यक्ति अपनी पत्नी पर आरोप जता रहे हैं कि वो इनको पीटती है, इनको तलाक के लिए दबाव डालती है। तो क्या कुछ पूरी बात है वो अभी हम, क्या नाम है आपका, पहले तो अपना नाम बताइए और फिर क्या कुछ पूरी बात हुई है वो बात बताइए। मेरा नाम अजीत कुमार है सर। अच्छा, मेरी पिछले साल 2021 10 तारीख को 10वें महीने 4 तारीख में शादी हुई थी। ठीक है जी, पहली शादी थी आपकी? हाँ जी, मेरी पहली शादी थी जी। और मैं इसको हर तरह से, मतलब इसकी मम्मी बीमार थी, मैंने हर तरह से पैसा लगाया इसकी मम्मी के ऊपर, सारे काम किए, मगर ये ले मैं किसी तरह मम्मी ठीक हो जाए कोई बात नहीं, ये लड़ाई झगड़ा करती रही हर बात में, मतलब मैं हर काम, दिवाली हुआ कोई भी त्यौहार हुआ, इसने सारे त्यौहार, करवा चौथ वगैरह सब इसने अपने घर मनाए। ये बोली मैं तेरे घर नहीं रहूँगी, किराए पर रहूँगी, मैंने किराए पर भी कमरा लेके रहा अलग से, अभी मेरा 6 महीने मेरा बच्चा हुआ, मेरा बेटा हुआ, मैंने सारा खर्चा दिया हॉस्पिटल में। उसके बाद ये बोली मैं किराए पर रहूँगी कमरा लेके, मैंने किराए पर कमरा लिया। 27 तारीख को मैंने कमरा कहाँ लिया? कावड़ी रोड पे, इसके पापा के घर से 2 घर छोड़ के अगला घर मैंने कमरा किराए पे लिया। और उसके बाद ये 10 कहाँ रहते हो? मेरा घर है हरिसिंह चौक पे, देवी भावना वाले रोड पे, देवी मंदिर रोड पे जी। अच्छा, हरिसिंह चौक पे मेरा अपना घर का मकान है, मदर मेरी बीमार रहते हैं जी, और एक दिन भी इसने कभी बहू का सुख नहीं दिखाया मेरी माँ को। और ये अपना 27 तारीख को मैंने कमरा लिया, 10 दिन बाद मेरे से लड़ाई करी और मेरे को वहाँ से, इस बात पर लड़ाई करी, लड़ाई इसी बात पे करी कि मैं इसको अगर कोई पैसे देता हूँ, कोई हिसाब पूछता हूँ, तो ये इसके माँ बाप कहते हैं कि तू इससे हिसाब लेने वाला कौन होता है। मैंने कहा मगर अगर मेरा, मैं अपनी मैडम को कोई पैसे दे रहा हूँ तो उसका हिसाब लेने का अगर मुझे नहीं होगा तो आप लोग होंगे जी। तो इसका बाप कहता है नहीं, कोई हिसाब लेने वाला नहीं होगा। उसकी बहन बीच में दखलंदाजी करती है जी, बड़ी बहन इसकी है जो। और दूसरे 27 तारीख को मैंने कमरा लिया, 10 दिन बाद झगड़ा करके मेरे कमरे पर ताला मार के वहाँ से सामान उठा के अपने पापा के कमरे पर सारा सामान डाल दिया इसने। मैंने किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, पहले मोबाइल लेके दिया, पहले तोड़ दिया, फिर मोबाइल लेके दिया, 32,000 रुपये का मोबाइल मैंने अभी भी लेके दे रखा, और उसके भाई को भी लेके दे रखा मैंने। जब आपकी अपनी पत्नी के साथ अनबन होती है और फिर भी आप इतना कुछ कर रहे हो अपनी पत्नी के लिए? सिर्फ सर इसलिए बढ़ रहा हूँ कि मेरा बच्चा छोटा सा, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो, मुझे भी तो अपना भविष्य देखना कि मेरा बेटा कैसे पलेगा कि कैसे नहीं पलेगा। लड़का है? हाँ जी, लड़का है जी मेरा बेटा। अच्छा, हाँ जी। तो अब क्या कुछ रहा, आज आप कोर्ट में भी आए थे? सर कोर्ट में तो मैंने सेक्शन 9 का केस डाला हुआ सर, घर बसाने का, लेकिन वो कल शनिवार को थाने में चली गई थी, और थाने में वो फैसला, थाने में क्यों गई थी पता नहीं, वो कोर्ट से वकील के पास से सीधे थाने में चली गई, वहाँ पे कोई FIR दी उसने मेरे नाम की, फिर मुझे थाने से फ़ोन आया, मैं थाने में गया तो मेरे बाबूजी के वो गए हुए थे, उन्होंने कोई बातचीत करी, उसके बाद फिर आज फिर मुझे थाने में बुलाया हुआ है, मंडे को 4 बजे जाना है मुझे। अच्छा, हाँ जी, आज फिर मुझे थाने में बुलाया हुआ, मैं जाऊँगा सर 4 बजे। किस चीज़ का मामला आपके ऊपर, शिकायत आपकी दी है? मारपीट का लगाती है सर, कि मारपीट ही मैंने करी, मैं कोई। कितने दिन से आप और आपकी पत्नी साथ नहीं रह रहे हो? सर तकरीबन 10 शादी होने के बाद 10 दिन रही, उसके बाद से अलग ही अलग रह रहे हैं। फिर आपने कैसे मारा पीटा? मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई वीडियो दिखाओ, कोई सबूत दिखाओ मुझे, मेरे पास वीडियो भी है मारपीट के सर, मेरे फोन में है, मैं दिखाता हूँ। दिखाओ आप। हेलो सर, तो अभी जैसे इन्होंने आरोप लगाए थे कि इनकी पत्नी ने इनको मारा पीटा, और जब मैंने ये बात पूछी तो इसने बताया कि मेरे पास वो वीडियो भी हैं जो इनको मारा पीटा गया। तूने हाथ उठाने के तो बात करता, तेरे को तो ऐसा कर दूंगी, तुम मोबाइल तो फेंक।
मारने दे। तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो इनकी पत्नी है इनको मारती है उस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करेंगे। इन्होंने वो वीडियो ज़रूर दिखाई है, चैनल पे भी चलाई है हमने और आप लोगों ने देखी भी है। और अब आखिरकार निष्कर्ष क्या निकला है? अभी कुछ नहीं सर, थाने में जाना 4 बजे, उसके बाद पता चलेगा जी क्या होएगा। आप क्या चाहते हो? मैं तो तलाक नहीं देना चाहता सर, घर बसाना चाहता हूँ मैं तो। जो ये आपकी पत्नी है, इसकी भी पहली शादी है या क्या है? पहले मुझे तो किसी ने बताया जी कि गांव में शादी हुई थी, इसकी वहाँ भी मार पिटाई करके उसको छोड़ के आई है। मेरे साथ इसकी दूसरी शादी है। अच्छा, जो इस लड़की के घर वाले हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? उन्होंने मेरे को बताया नहीं इस बारे में, मुझे किसी और ने बताया इसके बारे में कि इसकी दूसरी शादी है ये। अच्छा, घर वालों ने मुझे नहीं बताया इसके बारे में। तो कौन से थाने मामला आपका? मेरा काबड़ी रोड इंडस्ट्रियल एरिया में थाने में। ये तो आप रहते हो काबड़ी रोड पे? मैं नहीं, मेरा घर तो यहाँ पे। थाने में कौन से थाने मामला है? मार्टिन टाउन के इंडस्ट्रियल एरिया वाले थाने में, काबड़ी रोड पे। थोड़ी देर पहले तो ये जो सारा आपका मामला है, ये कौन से थाने मामला चला हुआ? सर ये काबड़ी रोड का जो ओल्ड इंडस्ट्रियल का थाना है ना जी, उस थाने से फोन आया था मेरे पास। अच्छा, क्या फोन आया? कि सर थाने में आ जाओ, आपकी मैडम यहाँ पे बैठी है। मगा जी मैं आता हूँ अभी, आधे घंटे तक आ रहा हूँ। कोई मामला भी बताया क्यों आई हुई है? सर मारपिटाई का इल्ज़ाम लगाया उसने मेरे ऊपर। अच्छा, कब दी थी ये शिकायत? ये शनिवार को गई थी मैडम मेरी थाने में। आज आपको तफ्तीश के लिए बुलाया जा रहा है? शनिवार को भी मैं थाने में गया था जी। हाँ जी, तफ्तीश के लिए बुलाया। क्या कहा उसने? उसने मेरे को ये कहा कि मेरे पर इसने मारपिटाई करी है। तो फिर मैडम ने उससे पूछा भी तेरे पर मारपिटाई करी है, वो वीडियो दिखा, तो वो वीडियो नहीं है उसके पास जी। आपको क्या कुछ कहा? मेरे को तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, मेरे को आज मंडे को बुलाया उन्होंने मैडम सर। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में होगा क्या, क्योंकि ये अपना घर बसाना चाहते हैं और इनकी पत्नी, जैसे इन्होंने बताया, अजीत नाम का ये व्यक्ति है और इसने अपनी बात रखते हुए बताया कि जो इनकी पत्नी है इनके साथ मारपिटाई करती है, इनको तलाक देने का दबाव देती है। और एक और सूचना सामने आई है कि इनकी पत्नी की दूसरी शादी है इनसे, ये अभी हमारे पास सूचना आई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लड़की के परिवार वाले हैं वह भी लड़की का साथ दे रहे हैं। और अभी जैसे थाने से एक इनके पास फ़ोन आता है कि आपको ओल्ड इंडस्ट्री लिए थाने में बुलाया जाता है और वहां पर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ शिकायत दी है मारपीट की। अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि आगे होगा क्या। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें मनीष कुमार पानीपत से।